चकवाल की सरजमीन दुनिया भर में अपनी तारीफ और सकाफत की वजह से मशहूर है। इस धरती के बांके और सचीले नौजवान जिंदगी के हर शुबे में अपनी जुर्रत, बहादुरी, कारीगरी और फन के बाइस मशहूर है। जिला चकवाल जहां अपनी शादाबी और जरखेजी के बाइस एक मुनफरिद मुकाम रखता है, वहां इस जिले की सकाफत भी इसकी शोहरत का बाइस है। जिला चकवाल में कबड्डी, किराह और दूसरे खेलों के मुकाबले और सरगर्मियाँ तारीख का हिस्सा है, जो जमाने हाल में भी जारी और फरोग पजीर है। सकाफती सरगर्मियों में नेजाबाजी को एक बहुत नुमाया मुकाम हासिल है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान इस इलाके में नेजाबाजी को बहुत फरोग हासिल हुआ है। नेजाबाजी चकवाल दी एक मकामी गेम बन चुकी है। ते असी जिहड़े दो तीन दोस्त आ, मैं मलक सदक साहब, भाई मलक अजैब साहब, असी यह फैसला किया है चलो इस मेले नूं दोबारा लवाया जाए, अपनी गवर्नमेंट दे नाल रल के एक ज्वाइंट वेंचर किया जाए, तो ये आवाम नूं तफरी मुहैया की जाए। साडे सामने अज हुण पिंडाल सजा पिया, रौनक लगी पई है, तो लोग बड़े महसूस हो रहे हैं। बड़े साढ़े दोस्त मेहरबान, बड़े बड़े दूरों घोड़े लैके आए जी, असी उन्होंने भी बड़े मशहूर तमन्नू हाँ। थोड़ा बहुत शुक्रिया, तुसी आए हो जिहड़े इस सारे नूं कवरेज कर रहे हो, तो लोगों नूं एक मुसबत पैगाम पहुँचा रहे हो, एक चकवाल का कल्चर दिखा रहे हो, बहुत शुक्रिया। नेजाबाजी के क्लब कायम हुए और यहाँ के शाकीन ने बैरून मुल्क भी नेजाबाजी के कई मुकाबले मुनाकिद करवा के सारी दुनिया में सकाफती शाकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। यूएई पहली दफा मलक तसद्दक साहब, राजा आतिफ जहूर साहब इवेंट कराया नेजाबाजी का, जेड़ा कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई नू बहुत पसंद आया। ठीक है, हुण गवर्नमेंट ऑफ दुबई इसे जनाब नाल तामन कर रही है, पाकिस्तानी ओवरसीज फाउंडेशन चकवाल, मलक तसद्दक साहब और स्पेशल राजा आतिफ जहूर साहब, ठीक है, और यूके तो मलक अजैब साहब, ओवरसीज फाउंडेशन, ये सारा उन्होंने तामन है। जितना ज्यादा ये काम हो रहा सारे उन्होंने तामन नाल हो रहा, मलक तसद्दक साहब, राजा आतिफ जहूर साहब और मलक अजैब साहब के तामन नाल, और ओवरसीज फाउंडेशन चकवाल यूएई यूके उन्होंने तामन नाल हो रहा सारा। जश्न बहारा 2023 के मौके पर म्यूनिसिपल स्टेडियम चकवाल में नेजाबाजी का एक अजीम शान मुकाबला मुनाकिद हुआ, जिसका इंतजाम ओवरसीज फाउंडेशन यूएई और यूके ने किया। चकवाल की जिला इंतजामिया ने इस पुरवकार तकरीब में खुसूसी तावन किया जी। स्पेशली डीसी साहिबा चकवाल जड़िया यान, तुसी देख लो कि चंद दिन उन्हें चकवाल का नक्शा तब्दील कर दिता। डीसी साहब और एसी साहब उन्हों का बहुत ज़्यादा तावन है, और उन्होंने तावन ना होंगे तो शायद इतना व्डा असी इवेंट अरेंज ना कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया डीसी साहब और एसी साहब का, जिन्हें 24 घंटे साढ़े नाल इतने तावन किया, जिड़ी चीज़ जरूरत पी है उन्हें फौरन मौके पर हाजिर की है। इस मौके पर म्यूनसिपल स्टेडियम को निहायत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। ये तकरीब इंतजामिया के हुस्न इंतजाम का बेहतरीन नमूना थी। जिला चकवाल के नामवर नेजाबाजी क्लबों ने इस मुकाबले में शिरकत की। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने ये शानदार मुकाबले देखे। इस मौके पर मलिक तसद्दुक हुसैन आवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वन इज सो अच्छे मेले मेजबान, असी चकवाल दे हां, चकवाल साडे जान है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करे ना राजा आतिफ जहूर साहब बोंड दा, मलिक अजैब आप खोदे दा, और भी जितने ओवर सीजन हसास कहते हैं, चौधरी निसार चक्राल, मलिक सजाद कहते हैं, और सारे जितने मेहमान हैं, बहुत बहुत इन्हां दा शुक्रिया। मीडिया डीसी साहब भी हर वेला फोन दा रखदे जन, इंशाल्लाह अगो होर ਸੋਚੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸੰਦੀ ਜਤਰੀ ਤਸਲੀ ਕੋ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗੁਰੂਕਾਰੋਂ ਔਰ ਫਨਕਾਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਕਾ ਖੂਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। मुकाबले दिन रात जारी रहे। नेजाबाजों की आन बान शान शौकत निहायत काबिले तहसीन थी। नेजाबाजी के शानदार मुकाबले में जिले अफसरान ने भी भरपूर शिरकत की। शानदार तकरीबी इनामात में शाह सवारों, इंतजामिया और तावुन करने वाले अफराद को इनामात से नवाजा गया।
नेजाबाजी की सकाफती तकरीब को मुल्क के तमाम चैनल्स और मीडिया ने काबिले तहसीन कवरेज दी। तो जश्न बारह साढ़े कल्चर है, अस चाहते हैं कि हमेशा बस एक कैम दायम रहे और इसे जी कुछ रुकावट है ना वो खत्म हो जाए ना। जनाब अस जिसलै बाहर रहने तो अपने बहुत ज्यादा याद आती है, खासकर इन्होंने मौके पर याद आती है जश्न बारह से।